एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर घमासान चल रहा है और पंचायत चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को लेकर कई मजेदार कहानियां भी सामने आ रही हैं। एक ऐसी कहानी सामने आई है सिंगरौली से। यहां के कटदाह पंचायत में पंचायत सचिव पद पर तैनात सुखराम सिंह गौड़ की तीन पत्नियां पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। एक पत्नी कुसुम कली सिंह और दूसरी पत्नी गीता सिंह पीपर खाड़ पंचायत से सरपंच पद के लिए आमने सामने हैं, तो तीसरी पत्नी उर्मिला सिंह जनपद पंचायत देवसर के वार्ड क्रमांक 13 से सदस्य पद के लिए मैदान में है। गीता सिंह तो यहाँ की सरपंच भी रह चुकी हैं। स्थानीय लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं कि एक ही शख्स की तीन पत्नियां कैसे चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि वो शख्स खुद शासकीय सेवा से जुड़ा है। मैं मोतीलाल सिंह की प्रखार का रहने वाला हूँ। सुखराम सिंह का पति तीन है, ये मलकिन तीन है। तीन में पहला नंबर था कुसुम कली सिंह, वो भी पंचायत चुनाव में लड़ा है। दूसरा नंबर गीता सिंह, वो भी पंचायत चुनाव में लड़ा है। तीसरा नंबर उर्मिला सिंह, वो भी जनपद में लड़ा है। तो यही बताना चाहूँगा कि सुखराम सिंह का पत्नी तीन है, जो कि पहला नंबर है, उनका नाम कुसुम कली सिंह है, सरपंच पद में है, मतलब है नहीं, अभी फार्म डाले हुए हैं। और दूसरा जो है तो गीता सिंह है, वो अभी वर्तमान में सरपंच हैं और प्रत्याशी भी हैं। और तीसरा पत्नी का नाम उर्मिला सिंह है, जो कि जनपद में अभी फार्म उनका चला है। ये मामला जब सुर्खियों में आया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। अब देवसर जनपद के सीईओ ने पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पंचायत सचिव ने अधिकारियों को अपनी दो पत्नियों को लेकर ही जानकारी दी थी, जबकि तीसरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताया था। अधिकारियों ने नोटिस में ये भी हवाला दिया है कि शासकीय नौकरी के दौरान पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना अपराध है और ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ ही नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पंचायत सचिव ने तो तीन तीन शादियां की है, ऐसे में अब वो क्या जवाब देगा, इसका सबको इंतजार है। सिंगरौली से हरिओम सिंह की रिपोर्ट, एमपी तक।